हाँ जी वीरो किदा की हाल चाल नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। सो भाई फाइनली वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर लेह लद्दाख ट्रिप बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। आप लोगों का प्यार था भाई, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि भाई हम मोटिवेट हो गए अंदर से और हमने कहा कि अब तो भाई लद्दाख ट्रिप करके मानेंगे, वो भी अपनी कार से करेंगे। सो अल्टीमेटली बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। रास्ते भाई बहुत खतरनाक थे, फन पूरा हमने किया रास्तों पे, फुल ऑफ एडवेंचरस लेकिन रिस्की भी थे भाई। कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है कि फनी फन किया, एडवेंचर किया, पूरा रास्ते थोड़े से कहीं ना कहीं रिस्की भी थे। और अगर आप प्लान करते हैं भाई ट्रिप तो उन रास्तों पे थोड़ा सा आपको केयरफुली ड्राइव करनी है, थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा अलर्ट रहना है। सबसे पहले गाइस बात करेंगे अपना पूरा बजट की, कॉस्टिंग, हमने क्या प्लान किया था, हमारा क्या खर्चा आया पूरा लद्दाख ट्रिप का, और कहाँ कहाँ पे हमने होटल में स्टे किया और कितना कितना हमने डीजल डलवाया अपनी कार के अंदर। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और अल्टीमेटली हमारी कार की परफॉर्मेंस कैसी थी और इसने माइलेज कैसा दिया। तो चले गए, सबसे पहले बात करते हैं अपने बजट से ही, स्टार्ट कर लेते कि हमारा बजट कितना आया लद्दाख ट्रिप का। गाइस जाने से पहले एक इंटरनल जो हमने प्लानिंग की थी वो ये था कि मेरे को लग रहा था कि 35-40 हजार रुपए के आसपास मेरा खर्च होगा लद्दाख ट्रिप पे, बट उतना नहीं हुआ है भाई, उससे बहुत कम हुआ है। और बहुत कम कितना कम हुआ वो आप देख लीजिए। सो सबसे पहले दो चीज यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले होटल में जितना भी हमने 7 दिन स्टे किया होटल की क्या कॉस्टिंग आई है, एंड देन सेकेंड हमारा कार ने डीजल कितना लिया है। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट कॉस्टिंग है, जब भी आप ऐसे ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको यही दो चीज देखनी है। तीसरा होता है कि आपने वहां पे एक्टिविटी क्या की, आपने कैमल राइड की, आपने शिकारा राइड की, आपने बोट राइडिंग की, आपने और बाकी चीजें घुमा फिरा वहां पे, उनकी क्या कॉस्टिंग है, तो उन पे बात नहीं करेंगे, इन तीनों को करते हैं बंद। मेजर आएगा होटल की कॉस्टिंग क्या है और आपका डीजल कितना लगा कार का। तो गाइस सबसे पहले होटल की बात करते हैं। हमने 7 दिन स्टे किया है, मतलब 7 रात ने स्टे किया होटल्स में। सो डे 0 हम रुके थे जो है रूपनगर, जिसको आप रूपड़ बोल सकते हो। डे 2 हम रुके थे जिस्पा, मनाली पार करने के बाद। डे 3 हम गए ले। डे 4 हम रुके थे पैंगोंग के पास में, एक जगह है डबक। डे 5 बैक टू ले। डे 6 हम रुके थे श्रीनगर। डे 7 हम रुके पठानकोट। आपको स्क्रीन पर डिटेल मिल जाएंगी गाइस, पूरा होटल का क्या क्या कॉस्टिंग है उसके साथ में। 1400 रुपए, 2000 रुपए, 2000, 3700, एंड उसके बाद डे 7 0। एक दिन हम हॉस्टल में रुके हैं फ्रेंड के पास, जहाँ पे हमने कुछ नहीं पे किया। और 2 दिन हम रुके थे गेस्ट हाउस में लेह में, जहाँ पे कि हमने 1000 रुपए पे किया। अगर आप यहाँ पे होटल में रुकते तो हो सकता था आपको ज्यादा पे करना पड़ता, तो इसलिए हमारी होटल की जो फाइनल कॉस्टिंग आई गाइस वो 10-10.5-11 हजार के आसपास आई है। आप स्क्रीन पे देख लीजिए नीचे कितना फाइनल कॉस्टिंग आई है, जो कि बहुत कम है 7 दिन के हिसाब से। आप 7 दिन के हिसाब से एक दिन एवरेज 1500 या 2000 भी पकड़ते हैं तो अब अराउंड 14-15 हजार आपके आना चाहिए कॉस्टिंग, बट हमने यहाँ पे थोड़ा पैसे बचा लिए थे, सो दैट इज अ गुड पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड हमारा डीजल कितना लगा गाइस। तो हमारा डीजल जो था, हमने रास्ते में 6-7 जगह पे डीजल जो है अपनी कार में फुल कराया था। स्टार्टिंग फ्रॉम अम्बाला हम फुल करके चले थे, देन तीसरा टांडी में हमने फुल कराया था 2000 रुपए में, क्योंकि टांडी के बाद लेह तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। सो फाइनल अल्टीमेटली जो हमारा 7 दिन में जो हमारा फ्यूल कंज्यूम हुआ गैस वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, 17,000 के आसपास, 16.5-17 हजार के आसपास हमारा जो है फाइनली जो है फ्यूल कंज्यूम हुआ है हमारा। एंड अल्टीमेटली हमारा होटल का जो कॉस्टिंग थी एंड फ्यूल को मैं दोनों को क्लब करके आपको फाइनल कॉस्टिंग बताऊं तो अराउंड 27-28 हजार के आसपास हमारी कॉस्टिंग आई है गैस, विच इज अगेन फार बिलो देन आर एक्सपेक्टेशन, जो कि हमने प्लान किया था 40,000 के आसपास किया था, 28,000 आया, दैट इज वेरी गुड। और हम दो बंदे थे यार, मैं और वत्स साहब, तो हमारी कॉस्टिंग आप डिवाइड करेंगे तो 14,000 पर पर्सन आ जाती है बहुत आराम से, और बहुत कम है, स्टिल मेरे को बहुत कम लग रही है 14,000 पर पर्सन। और जो चीज हमने एक्सप्लोर की है, जितना घूमे हैं फिरे हैं और जिस तरीके के हमने व्यूज देखे, नजारे देखे हैं, ट्रस्ट मी गाइस आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ ब्यूटी इन माई होल लाइफ। So, अगर आप प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि आपको ट्रिप पे जाना है कार से जाएं या फ्लाइट से जाएं, तो आई मस्ट से गाइस देखिए, अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो आप कार से जा सकते हैं, आप एडवांस लेवल पे हैं ड्राइविंग के तो भी आप कार से, ऑब्वियसली कार से ही जाइए। और आप अभी ड्राइवर, आप अच्छी ड्राइव करते हैं लेकिन आपने पहाड़ों पर नहीं चलाई है कार कभी, तो उस केस में आप जो है श्रीनगर जम्मू होके और ये वाला रास्ता ले सकते हैं, लेह तक के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, पूरा हाईवे बना हुआ है विद द फेंसेस अराउंड द रोड, तो आपको कोई डर भी नहीं लगेगा, आप आराम से चले जाएंगे। हालांकि आपको यहाँ पे एक दिन ज्यादा लग सकता है एज कम्पेयर टू मनाली और जिस्पा वाला रूट अगर आप देखते हैं तो,
और आपको कार में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कार बहुत अच्छा चलाते हैं, आपको नजारे एंजॉय कर रहे हैं, आपको पहाड़ और वो सारा नजारा एंजॉय करना है। एक्चुअल में जो पूरा क्रक्स है लेह लद्दाख ट्रिप का वो यही रूट है, मनाली, जिस्पा एंड सरचू, पांग, उपसी एंड ले। आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा करेंगे ट्रिप को। लेकिन कहीं कहीं पर रोड बहुत रिस्की भी है, थोड़ा सा खतरनाक है, डरावनी है, जहां पे कि लाइक अगर वन आमने सामने से कोई कार आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट ऐसा बहुत ही कम बार ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये बात करते हैं कार ने क्या माइलेज दिया गाइस, तो आप देख लीजिए टोटल कार जो हमने ड्राइव की है 7 दिन में अराउंड 2400-2500 के आसपास हमने जो है कार चलाई है, और टोटल हमने जितना लीटर जो है डीजल हमारी कार में है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमने कितना जो है डीजल कंज्यूम किया हमारी कार ने इन 7 दिन के अंदर, और टोटल ट्रेवल हमने जो किया वो 2400-2500 जो है किलोमीटर के आसपास किया है। सो अल्टीमेटली आप माइलेज देखोगे तो हमारी कार ने जो है 14-14.5 का माइलेज दिया है, विच इज फार बियॉन्ड अगेन माय एक्सपेक्टेशन। मेरे को लग रहा था कि ठीक है यार 11-12-13 तक देगी, माइलेज बहुत है, आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट, माइलेज से आई एम हैप्पी। 14-14.5 का माइलेज XUV300 डीजल, और जिसमें कि आप देखोगे 2500-2400 किलोमीटर में से 75% जो हमारी ड्राइविंग थी वो पहाड़ों पे ही थी, 25% जो थी वो प्लेन रोड्स में थी। तो माइलेज भी यार बहुत अच्छा दिया कार ने, परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी, तो परफॉर्मेंस के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाऊंगा, एंड उसमें मैंने टायर भी अपसाइज कराए तो उन टायर के बारे में बात करेंगे उस वीडियो में। बाकी गाइस इसके अलावा इन रूट्स पर रात में ड्राइव ना करें, थोड़ा एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, जो है बात करते हुए ज्यादा इधर उधर वीडियो ना बनाएं, अगर आपको वीडियो बनानी है रुक के वीडियो बनाएं आराम से। लद्दाख जैसी ब्यूटी आपको जो है देखने को आई गेस इंडिया में तो कहीं नहीं मिलेगी यार, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, बिकॉज आई डोंट नो यार मैंने आज तक क्यों नहीं देखा था, और सडन प्लान बना, प्लान करते करते मैं भी कंफ्यूज था आप लोगों की तरह, फ्लाइट से जाऊं, बस से जाऊं, कार से जाऊं, कैसे जाऊं, जाऊं ना जाऊं, अल्टीमेटली लेकिन डिसाइड किया नहीं चलते यार देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। मस्ट विजिट प्लेस है, आप एक बार अपनी लाइफ में जरूर विजिट करें। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं बाय कार, वो आपके ऊपर है भाई, आप जैसे जाना चाहे जा सकते हैं। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने सारे पार्ट देख लिए होंगे, मैंने सारे पार्ट डिटेल में आपके लिए डाले हुए हैं आपको, सो दैट कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े YouTube के ऊपर। तो दिस इज इट गाइस इन दिस वीडियो। बाकी आप बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आपने नए टायर डलवाए हैं कार में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कार ने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत मजेदार, जहां पे कि आपको बताने वाला हूं कि कार ने कैसा परफॉर्म किया और जो कार के टायर से जो नया डलवाया उससे मेरे को क्या डिफरेंस फील हुआ है, वो बात करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, और इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन सेफ एंड सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।